तो आज ये है कि हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिशरफ सुप्री वर्स। हमने कहा था कि हीट इज द एनर्जी इन मोशन ड्यू टू टेंपरेचर डिफरेंस एंड हीट फ्लोस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेंपरेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेंपरेचर। टेंपरेचर्स में लिख देता हूं, ये ऑटोमेटिक फ्लो होता है, सही, कि हमेशा हीट एनर्जी एक हायर टेंपरेचर वाले ऑब्जेक्ट से निकल के लोअर टेंपरेचर वाले ऑब्जेक्ट में जाने की कोशिश करते हैं। हीट का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है अगर आपके पास टेंपरेचर का डिफरेंस कम हो जाए। द फ्लो ऑफ हीट स्लोज डाउन एज टेंपरेचर डिफरेंस रिड्यूसेस, ठीक है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो हीट फ्लो नहीं करेगी। देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, देयर इज नो नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज, सही, देयर इज नो नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज एंड this is called thermal equilibrium. ये भाई टेम्परेचर बैलेंस हो गया आपके पास, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि कोई बॉडी हीट इमिट नहीं कर रही, ये मत समझना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और जितनी एनर्जी एक बॉडी अगले बॉडी को दे रही है, मिसाल के तौर पे बॉडी ए जो है वो बॉडी बी को 100 जूल्स दे रही है, तो बॉडी बी बॉडी ए को वापस कर रही होगी 100 जूल्स, तो हमारे पास कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, सही, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। अब अगर आप नेक्स्ट देखो कि अगर ऐसा होता कि एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता और अगली बॉडी का कम होता, ठीक है, भाई बॉडी ए से अगर बॉडी बी में जा रही होती 100 जूल्स और बॉडी बी से जो रिटर्न आ रहा होता वो कम होता, मिसाल के तौर पर 80 जूल्स का आता, तो दिस वुड हैव बीन अ नेट ट्रांसफर ऑफ 20 जूल्स टू बॉडी बी। और ये कब होता है, जब ए का टेम्परेचर ज्यादा होता, जैसे मिसाल के तौर पर 70 डिग्री पे, बी का टेम्परेचर कम होता मिसाल के तौर पर 50 डिग्री पे, तो उस वक्त आपके पास ये हीट ट्रांसफर का प्रोसेस आपको मिलता कि ए से एनर्जी निकल के बी में जा रही है। लेकिन अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम होता, मतलब दोनों 70 डिग्रीज पे होते, तो फिर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। दिस वॉज थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट ट्रांसफर आपको मिल रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। आवाज में क्या मसला हो गया भाई, नेट से चल रहा है तुम्हारा? अगर बाकी को भी आवाज का मसला आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पास मसला हो, मुजम्मिल नेट में आ जाते हैं, ग्लिचेस आ जाते हैं यार। खैर, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमें समझ में आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये नहीं कह रहा कि एनर्जी जा ही नहीं रही, एनर्जी जा रही होती है क्योंकि टेम्परेचर होने की वजह से एक बॉडी अपने अंदर से एनर्जी इमिट हमेशा करती है, तो एनर्जी दोनों बॉडीज इमिट कर रही होती है। लेकिन मसला ये होता है कि जितनी वो इमिट कर रही होती है उतनी ही वो एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो उनका टेम्परेचर नहीं चेंज हो पा रहा होता। टेम्परेचर चेंज तब होता है जब एक बॉडी एनर्जी इमिट कर रही होती है अपने अंदर और एब्जॉर्ब कम कर रही होती है, तो ये वाला मसला है।
जैसे ए का जो मामला है, ए का टेम्परेचर गिरता जाएगा क्योंकि उसमें से एनर्जी निकल रही है, और बी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्योंकि उसमें एनर्जी गेन हो रही है। ऐसे टेम्परेचर को जिस पे दोनों बॉडीज आके इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं उस टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं, यानी वो थर्मल वो टेम्परेचर जिस पे दोनों बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएं, तो उसको आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज द वन एट विच बोथ बॉडीज अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम, सही। और नेसेसरी नहीं है कि वो कहीं दरमियान में या दोनों के, बस मतलब वो ये हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट 70 डिग्री पे है और एक ऑब्जेक्ट 50 डिग्री पे है तो थर्मल इक्विलिब्रियम 60 पे अचीव होगा, ऐसे कोई शर्त नहीं है, सही। थर्मल इक्विलिब्रियम किसी और टेम्परेचर में भी आपके पास आके सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों बॉडीज जो है वो मतलब किस बॉडी का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, किस बॉडी का एनर्जी कंटेंट कम है, सही। तो इससे वो मत करना कि हमेशा ही 50-50 पे आके या 60 पे आके दरमियान में रुकेंगे, लेकिन खैर ये चीज पूछी जाती नहीं है इसलिए इससे इतना परेशान होने का मसला नहीं। फिर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। देखो इंटरनल एज द नेम सजेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड समथिंग। ये इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अपने अंदर मौजूद एनर्जी को बोला जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के दरमियान में, उनके सेपरेशन होती है थोड़ी सी। इंटरनल एनर्जी को जब डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि भाई इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम मोशन। और इसमें माइक्रोस्कोपी लिख देना, ये रैंडम मोशन वाली बात सॉलिड लिक्विड के लिए चाहो ना लिखो, गैसेस के लिए लिख दी जाती है। तो यहाँ पे सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम मोशन, यानी अगर मैं कहूँ तो इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। अब हम ये देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से और कैसे आती। तो देखो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन के अंदर, तो इनकी मूवमेंट की वजह से इनमें आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, समथिंग इज मूविंग इट हैज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है? पोटेंशियल एनर्जी इसलिए आती है, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर कर दूं तो ये ऐसा है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दी। क्या सिचुएशन की मैंने भाई, ये दो अगर मैं तीन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलहदा अलहदा करना शुरू कर दूं तो ये मिसाल ऐसी हो गई कि जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के ऊपर की तरफ लिफ्ट करना शुरू कर दिया, मैं जमीन से उस ऑब्जेक्ट को दूर कर रहा हूँ क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही होती है ना, और अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को छोड़ता तो अर्थ उसे वापस जमीन अपनी तरफ गिरा देती। जैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाओ, आप अगर उसको छोड़ दोगे तो नीचे आके गिर जाएगा चीज। इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर आप मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हो तो इससे इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल की जो फोर्सेस होती है ना, ये इनको एक दूसरे की तरफ ला रही होती है। ये फोर्सेस इन दोनों को, इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ ला रही होती है। अब जैसे ही इन पे से अपनी दी हुई एनर्जी निकालोगे सारे मॉलिक्यूल्स वापस आ जाएंगे, तभी तो कूल करने पे लिक्विड वापस सॉलिड बन जाता है और गैस वापस लिक्विड बन जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। हमारे दी हुई एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे से दूर हुए हुए होते हैं, हम जैसे ही वो एनर्जी बाहर निकाल लेते हैं समझ जाते हैं
तो इनके दरमियान की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उससे इनमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। जितना उनको दूर करोगे एक दूसरे से उतनी ज्यादा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब तो हो गया मेरी आवाज को, फिर दोबारा क्या खराब हुई है? आवाज क्या खराब आ रही है आप लोगों को मेरी? थोड़ी देर पहले हो जाता है भाई, छत पे जाके बैठ जाओ ना मुजम्मिल साहब, छत पे जाके बैठो तुम आराम से, 4G के सिग्नल अच्छे आएंगे तुम्हारे पास। या गैलरी के करीब बैठ जाओ, टेरेस पे बैठ जाओ। हम ये कहते हैं कि भाई क्योंकि मॉलिक्यूल्स इन टोटल आर इन्वॉल्वड इन डिटरमाइनिंग इंटरनल एनर्जी, तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का सम है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ सब्सटेंस पर। अब जितना ज्यादा सब्सटेंस यूज करेंगे उसकी उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। इसकी वजह ये है कि आप जितना ज्यादा सब्सटेंस यूज करेंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सब्सटेंस, द ग्रेटर द मास द लार्जर द इंटरनल एनर्जी। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। अब हम बात करते हैं अपने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के ऊपर बात करते हैं। मुजम्मिल बेटा जरा देखो, अभी खुले तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम टेबल वगैरह सेट करूंगा, अभी फ्राइडे वाले दिन वगैरह जाके थोड़ा सा टाइमिंग्स वगैरह एडजस्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैं लास्ट टाइम ये मैंने यही कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हफ्ते में कोई एक क्लास रख लूं कोचिंग के अंदर, और ऐसी जगह रख लूँ कि सेंटर पड़े सबके लिए, जैसे बॉडमास गुलशन हो गया कि भाई जौहर वाला स्टूडेंट हो, नॉर्थ वाला स्टूडेंट हो, तो वो थोड़ा सा कंपेंसेट करके वहां तक पहुंच जाए और क्लास वगैरह आराम से स्कूल से ले सके। तो देखते हैं क्या पोजीशन होती है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं एटीपी भी समझाऊंगा, क्यों परेशान हो रहा है, बगैर समझाए एटीपी पेपर थोड़ी देर बैठूंगा। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। अब अगर हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें तो हमारे पास तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीन तरीके हैं जिससे एनर्जी यानी हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। मुर्तजा बेटे शाम में क्लासेस होंगे, मॉर्निंग में तो स्कूल हो जाएंगे ना? अगर सैटरडे संडे हुआ तो मैं मॉर्निंग में रखूंगा, लेकिन अगर आपके पास वीकडेज के अंदर मैंने कुछ सेटिंग बनाई तो फिर लाजमी बातें मैं शाम के अंदर रखूंगा, जैसे 4-5, 4-5 की टाइमिंग्स वगैरह करने की कोशिश करूँगा। तो कंडक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं तो कंडक्शन को डिस्क्राइब अगर किया जाए कि कंडक्शन है क्या, तो हम बोलते हैं भाई इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वाया कलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो आपसी कोलिजन होती है, एक दूसरे से उनका जो टकराना होता है, उसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर को आप कंडक्शन कहते हैं। इसमें होता यही है कि जब आप एक एंड को हीट करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती है। ठीक है, अगर बोलो कि भाई व्हेन वन एंड इज हीटेड मॉलिक्यूल्स एट दैट साइड increase their vibration,
से वो अपनी वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं। इस वाइब्रेशन बढ़ाने की वजह से वो नेबरिंग मॉलिक्यूल से जब टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा उनको ट्रांसफर कर देते हैं। Instead of collision with neighboring molecules, they transfer part of their energy to them. ठीक है, अपने एनर्जी का कुछ पार्ट उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है. See, so heat transfers. Hot end to cold end. See, hot end से cold end तक आपकी energy transfer हो जाती है, molecule to molecule, molecule to molecule, collision के थ्रू। ये है basic conduction. और ये metal हो या non-metal, सब में होती है. See, it's for metals and non-metals both. Metals में बस ये कह रहे हो कि एक चीज और खास होती है. मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, उनके पास मोबिलिटी होती है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो मेटल्स में कंडक्शन बड़ी फास्ट हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स को तो हीट मिलती ही मिलती है, साथ साथ ही इलेक्ट्रॉन्स भी एनर्जी गेन करते हैं और ये हॉट एंड से डायरेक्टली कोल्ड एंड की तरफ माइग्रेट करना शुरू करते थे. और अपनी इस माइग्रेशन के दौरान ये रास्ते में पड़ने वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन परफॉर्म करके अपनी एनर्जी उनको देना शुरू कर देते हैं. तो अभी पिछले वाले मॉलिक्यूल्स के थ्रू कोलिजन से एनर्जी आगे नहीं आई थी, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी मूवमेंट की वजह से आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को पहले से ही एनर्जी देना शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ कि एनर्जी आगे की तरफ ज्यादा तेजी से प्रोपगेट होना शुरू हो गई, उसकी एनर्जी ट्रांसफर का रेट बढ़ गया. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. लेकिन जब भी कभी मेटल का आंसर दो तो कभी भी ये मत देना कि भाई सिर्फ और सिर्फ कोलिजन बता दिया या सिर्फ और सिर्फ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर दिया. ऐसा नहीं करना, दोनों बातें जिक्र करना. ये भी बताना कि एनर्जी इज हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय कोलिजन विद मॉलिक्यूल्स, और ये भी बोलना कि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कैरी हीट डायरेक्टली फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड. सही, भले आंसर एक नंबर के लिए ही क्यों ना हो लेकिन बातें आपने दोनों बतानी है. मेटल्स में सिर्फ ये मत लिख देना कि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ही, भाई कोलिजन भी वहां पे होती है. तो इन केस ऑफ मेटल्स मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर एनर्जी वाया कोलिजन विद ईच अदर free mobile electrons also carry heat directly from hot end cold end. See, free mobile electrons heat ko directly hot end se cold end le jaate, so hence rate of heat transfer via conduction increases. So, conduction के थ्रू होने वाला हीट ट्रांसफर फास्ट हो जाता है. मेटल्स में दोनों बातें लिखी हैं हमने, ठीक है, कॉलिजन्स भी और फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन का जिक्र भी. ये दोनों चीजें
मुजम्मिल तुम्हारा दिमाग खराब है, आराम से 10 बजे रखिएगा क्लास। मतलब बेटा सुबह तुम प्राइवेट कैंडिडेट हो, मैं तो टीचर हूँ ना, मुझे तो सुबह उठ के जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, अब थोड़ी मैं 9-9 बजे सो के उठ सकता। अरे क्लास से पहले 10 मिनट पहले बंदा उठे मुँह धोए बैठ है, अब थोड़ी चलेगा ये सब कुछ। हाँ हाँ बेटा मैं रात के 10 बजे की बात कर रहा हूँ, पढ़ाते हुए फारे होते होते 11:30 बज जाएगा तुम लोगों को। हाँ भाई तो मरवाएगा मुझे मुजम्मिल, अच्छा भाई कंसीक्वेंसेस ऑफ कंडक्शन को जरा पढ़ो एक नजर, ताकि बेसिक एक्सप्लेनेशन वाली बातें वह समझ में आए। ठीक है भाई अब आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा सपोज, ये मुर्तजा सर डज ही ट्रांसफर हैपन क्विकली और एट सर्टेन टाइम। मुर्तजा ये डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह ज्यादा हो तो हीट ट्रांसफर बड़ा फास्ट हो जाता है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तो हीट ट्रांसफर काफी स्लो हो जाता है। कुछ फैक्टर्स अभी हम देखेंगे आगे जो अफेक्ट करते हैं इसमें। डोर नॉब, अरे दरवाजे का कुंडी जो पकड़ के दरवाजा खोलते हो तुम, हैंडल दरवाजे का उसको डोर नॉब बोलते हैं। अभी बातें करो यार। अच्छा भाई तो ये आपने कुछ कंसिक्वेंसेस देख लिए कंडक्शन के नतीज, अब एक छोटी सी चीज है कि कंडक्शन क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान में होने वाली कॉलिजन पे डिपेंड कर रही है ना, तो होता यह है कि कुछ केसेस में कंडक्शन फास्ट होती है कुछ केसेस में स्लो होती है, और ये पड़ता है फर्क स्टेट से कि भाई अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, सॉलिड्स में कंडक्शन फास्ट है कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। उसकी वजह यह है कि सॉलिड्स के अंदर ना आपके पास मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, कॉलिजन का चांस ज्यादा है। लिक्विड्स और गैसेस में मॉलिक्यूल के दरमियान का फासला ज्यादा है तो कॉलिजन का चांस कम हो जाता है, तो एनर्जी जो है ना वो थोड़ी देर से जाती है आगे। तो कंडक्शन में कंडक्शन इज फास्टेस्ट इन सॉलिड्स,
followed by liquids and then gases. सही, ये आपके पास कंडक्शन का मामला होता है. सही, सॉलिड्स हैव मॉलिक्यूल्स क्लोज विद वन अनदर. Collision is frequent. Right? Gases have molecule fast, far away. So, collision is less frequent. ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास कंडक्शन का बेसिक मॉडल. अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग सर्टेन फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. क्या किन किन तरीकों से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर अफेक्ट पड़ता है, सही, इस चीज को देख लेते हैं. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वाया कंडक्शन. कंडक्शन के थ्रू कौन कौन से मेथड्स होते हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर असर डालते हैं? तो सबसे पहले है टाइप ऑफ मटेरियल. टाइप ऑफ मटेरियल जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास भी कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, स्टील है. ऑल्दो देयर ऑल मेटल्स, देयर ऑल सॉलिड्स, बट येट दे हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ हीट ट्रांसफर. और ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के ऊपर, उनके साइज के ऊपर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन तमाम चीजों के ऊपर इसका असर होता है. तो यहां पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. ठीक है, some materials are better conductor of heat than others. See, some conductors are better, some materials are better conductor of heat than others. See, and it depend on size of molecules, number of free electrons,
एटसेट्रा। फिर आता है एक्सपेरिमेंट के जिसके थ्रू आप जज करते हैं इस बात को। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, चार किस्म के रॉड्स लिए, चार डिफरेंट मेटल्स की, कि भाई एक कॉपर की, आयरन की, एल्यूमिनियम की और एक ब्रास की, और सबके आगे उन्होंने लगाई है मैचस्टिक और उसको ज्वाइन किया है एक वैक्स के साथ, पैराफिन वैक्स, सिंपल कैंडल वैक्स जैसे बोलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट होने के लिए जरूरी यह है कि भाई एक एंड से आप हीट करोगे उनको, सारी रॉड्स एक ही लेंथ की होनी चाहिए, वैक्स भी सेम लगनी चाहिए सब पे, और मैचस्टिक भी सेम टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पे भारी मैचस्टिक लगा दी, एक पे हल्की लगा दी। और आप वेट करोगे कि भाई किस रॉड के ऊपर से मैचस्टिक पहले गिरती है। जिसके ऊपर से मैचस्टिक पहले गिरी समझ लो वो सबसे अच्छा कंडक्टर, क्योंकि हीट उसमें सबसे पहले ट्रेवल करती भी पहुंचे। एक्सपेरिमेंट में क्या बोलोगे भाई, अटैच मैचस्टिक्स to rods of equal length but different material to paraffin through paraffin wax या via paraffin wax of equal क्वांटिटी, सही है? अब यहां से आप क्या बोलोगे भाई, हीट द रॉड्स ऑन वन एंड, द रॉड फ्रॉम विच मैचस्टिक फॉल्स फर्स्ट is the best conductor of four, say un char mein sabse behtareen conductor jo hai wo hai isko sabse pehle match stick de chahiye, dusri cheez hamare paas hai cross sectional area of the conductor, ke bhai wire aapka jo metal hai uski thickness pe decide karti hai ki wo kitna acha conductor, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना अच्छा कंडक्टर होगा वो, तेजी से हीट को अगर ट्रांसपोर्ट करे हीट उतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया से होता ये है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस साइड पे बढ़ जाते हैं, तो एनर्जी कैरियर्स आपके ज्यादा हो गए, इस वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी कंपेरेटिवली फास्ट ट्रेवल करती हुई जाती है। तो यहाँ पे आप ये लिखते हो greater cross section area provides greater rate of heat transfer ये मैं लिख देता हूं यहां पे। सॉरी गाइस, ये पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से नेट बंद हो गया था। तो हम ये कह रहे थे कि भाई तीसरा हमारा फैक्टर है टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना फास्ट हीट ट्रांसफर होता है, हमने शुरू में भी देखा था।
या आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस का मामला हो गया। अच्छा एक चीज जो एग्जामिनर प्रेफर करवाता है वो जरा यहाँ देख लो कि एग्जामिनर प्रेफर्स टू यूज द वर्ड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स रादर देन पार्टिकल्स। ये एटम ये एग्जामिनर की प्रेफरेंस होती है। बहुत बताया था बेटा मेरे कि एरिया बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं ना जो कंडक्शन करने के लिए अवेलेबल होते हैं। जब एरिया बढ़ाओगे तो उस साइड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे ज्यादा फास्ट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स को जाने के भी ज्यादा रास्ते मिल जाएंगे, तमाम चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल कहता है कि इट इज प्रेफर्ड टू यूज द वर्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स रादर देन पार्टिकल्स। उसकी वजह असल में ये है कि पार्टिकल्स में ना ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब आ जाते हैं, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ी कंडक्शन में काम कर रहे होते हैं, आप मॉलिक्यूल्स बोल दो, आप एटम्स बोल दो, ज्यादा सही है। सही, वो इससे क्लियर कर लेता है कि अच्छा बच्चा ये नहीं बोल रहा कि न्यूट्रॉन कंडक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे या प्रोटॉन कंडक्शन में इस्तेमाल होंगे, वो इस तरह की चीजें नहीं बोलता, तो उसको इस बात की क्लैरिटी हो जाती है। यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, आंसर लिखते हुए पार्टिकल अवॉइड करना। एग्जामिनर डिडक्ट तो नहीं करता वैसे जनरली, लेकिन ही रिजर्व्स द राइट टू डिडक्ट योर मार्क्स इन दैट। वो मार्क काटने का राइट रखता है, वो काट भी सकता है अगर उसे बहुत ज्यादा किसी ऐसी जगह पे पार्टिकल लिखा हुआ दिख गया जहां वो समझता है कि नहीं बच्चे को यहाँ पे लाजमी जो है वो लिखना चाहिए था एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो फिर तो गड़बड़, फिर बड़ी गड़बड़, फिर वो काट देगा मार्क्स। अब हम बात करते हैं बेसिक कन्वेंशन के ऊपर। सही, कन्वेक्शन क्या चीज होती है? देखो कन्वेक्शन का जो वर्ड है ना बेटा, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसमें कन अलग है और वैक्शन अलग है। इसका जो कन है ना वो कंडक्शन से निकला है, और इसका जो वैक्शन है वो एडवैक्शन से निकला है। अच्छा ये जो एडवैक्शन होती है ना, इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने कंडक्शन तभी पीछे पढ़ लिया कि हाँ कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एडवैक्शन बोलते हैं बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही, कि मॉलिक्यूल्स एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मूव करते हुए जा रहे हैं, एक बल्क के अंदर मूव करते हुए जा रहे हैं, तो उस चीज को आप एडवैक्शन का नाम देते हैं, बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कन्वेक्शन में बेटा दो चीजें होती हैं, जब कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा होता है ना, तो दो तरीकों से होता है। एक तो ये तो एक मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल से कॉलिजन करेगा और एनर्जी को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, एक तरीका तो ये कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम्स हैं तो कॉलिजन लाजमी होनी है, आप अवॉइड नहीं कर सकते कॉलिजन। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कन्वेक्शन में कॉलिजन नहीं होती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब एटम्स मौजूद हैं तो कोलाइड तो करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मौजूद है। दूसरा बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी लेके, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन्स हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में जाते थे सारे मिलके, इसी तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जाते हैं, वो खुद ट्रेवल करते हुए जाते हैं हॉट से कोल्ड, और वहां से जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी जगह भेज देते हैं ताकि वो हीट गेन कर सके। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना इसको बोलते हैं एडवैक्शन, और इस कंबाइंड प्रोसेस को आप कन्वेक्शन का नाम देते हैं, ये कॉलिजन और बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसमें बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से होने वाला हीट ट्रांसफर समझ लो 95% होता है, और कंडक्शन की वजह से होने वाला ट्रांसफर जो है वो सिर्फ 5% होता है। इसीलिए जब भी कभी आपने कंडक्शन या कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने कभी भी ये नहीं पढ़ाया होगा आपको टीचर ने कि बल्क मोशन लिखो, वो बल्क मोशन बोलो कंडक्शन लिखो, तो हमेशा आपको ये बोलता था कि मॉलिक्यूल एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे, और एग्जामिनर भी यही मांगता है, कॉलिजन की बात नहीं करवाता, वो इसलिए नहीं करवाता कि भाई कॉलिजन है अपनी जगह हम मानते हैं अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ये ट्रांसफर में वो कम है कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ द बल्क मोशन। इसीलिए कन्वेक्शन में ज्यादा फोकस मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे होता है, कि पूरे पूरे मॉलिक्यूल जो मूव करके जा रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो कन्वेक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि भाई इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वाया मोशन
of molecules from hot end to cold end, ठीक है? Molecules gain heat at hot end, move towards cold end, see, and send the cold molecules in their place, ताकि वो हीट गेन कर सके, और इस तरह से पूरे लिक्विड में हीट फैल जाती है। वार्म वाले मॉलिक्यूल्स निकल के आगे चले जाते हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स पीछे आते हैं, वो हीट गेन करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, बाकी जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं। इस तरह से साइकिल चलता रहता है, और इस पूरे साइकिल को आप एक नाम देते हो, कन्वेक्शनल करंट। इस पूरे साइकिल को नाम देते हो आप कन्वेक्शन करंट। तो अभी हम ये कन्वेक्शन करंट भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, कन्वेक्शन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैसेस में हो सकती है, सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह वाजह है, बल्क मोशन सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। आपको पता है मॉलिक्यूल निकल के नहीं जाता कहीं से, सॉलिड में अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है, वो कहीं नहीं जा सकता। लिक्विड्स और गैसेस में मॉलिक्यूल्स को मोबिलिटी होती है, वो हिल सकते हैं अपनी जगह से, आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, अप डाउन मूव कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, वो सारी मोबिलिटी मौजूद है उनके अंदर। तो कन्वेक्शन कैन ओनली टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस as molecules have the ability to move. Solids do not undergo convection. ठीक है भाई, मुझे बेटा मॉलिक्यूल्स की अपनी जगह से हट के किसी और जगह पे चले जाना कन्वेक्शन होता है। जैसे अगर मैं कन्वेक्शन करंट समझाऊं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कन्वेक्शन करंट बनता कैसे, देखो मैं इस सॉस पैन के अंदर वाटर को बेस से हीट कर रहा हूं, होगा क्या, वाटर एट द बॉटम गेन्स हीट, ये वाला पानी हीट गेन करेगा, इट एक्सपैंड, फैलेगा वो पानी, सही, क्योंकि आपको पता है हीट करने की वजह से एक्सपेंशन होती है, वाटर वुड एक्सपैंड, डेंसिटी कम होगी उसकी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, आपको पता है डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एक्सपेंशन होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी गिर गई, तो वो हल्का हो गया पानी बाकी मुकाबले में, इट बिकम्स लेस डेंस एंड हेंस राइजेस, होने की वजह से बाकी पानी के मुकाबले में वो राइज करता है। अच्छा, द कोल्डर मोर डेंस लिक्विड सिंक्स करंट, जो ठंडा पानी होता है ऊपर, जैसे एरोस देख रहे हो आप, ऊपर वाला ठंडा पानी विच इज हैवियर, इट्स मोर डेंस, भारी है, तो वो नीचे बैठता है, सही, इट सिंक्स और आपके पास एक कन्वेक्शन करंट बनता है, नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला पानी नीचे आ रहा है, ये साइकिल फॉर्म हो जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है, इस साइकिल को कन्वेक्शन करंट बोला जाता है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी एक वीडियो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, सही, बिल एसेंड करके,
आप वो वीडियो देखना, उसके अंदर आप बाकायदा पानी की मूवमेंट देख सकोगे कि वो पानी किस तरह से मूव कर रहा है कन्वेक्शन करंट की वजह से। ठीक है बेटा, लेसन हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कल के लेसन के अंदर इंशाल्लाह कन्वेक्शन को वाइंड अप करेंगे और रेडिएशन को शुरू करेंगे। कोशिश करूंगा कि कल हमारा रेडिएशन भी साथ साथ हो जाए। ऑलराइट, ठीक है, ख्याल रखना अपना आप लोग। अल्लाह हाफिज़।